दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशिफल 2025। आने वाला यह नया वर्ष 2025 मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, रोजगार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ और भी आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी उम्मीदें जो आप 2025 से लगाए हैं, उन उम्मीदों में क्या होगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपकी लाइफ से जुड़ा हर एक वो पहलू जिससे आप बदलना चाहते हैं, जिसमें आप परिवर्तन चाहते हैं, क्या वो परिवर्तन हो पाएंगे। 2025 में जो सपने आप देख रहे हैं कि 2025 में ये हो जाएगा, वो कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये जो आप सपने देख रहे हैं वो सपने पूरे होंगे भी या नहीं, या फिर वो सपने आप देखना बंद कर देंगे, या फिर उन सपनों को कोई और तोड़ देगा, ऐसे तमाम बातें और तमाम जो आपके दिमाग में उलझने चल रही हैं उनको सुलझा देगी ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मकर राशि के लिए 2025 का एक आईना दिखाने वाली वीडियो है। मकर राशिफल 2025। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख बस सुन सकते हैं। मकर राशि वालों एक बात और समझ लीजिए कि इसे आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि हम जो बताते हैं वो बहुत ही कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं, कटु वाणी बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं। हम आपके लिए वो बोलते हैं जो आपके लिए सही होना है और आपकी लाइफ में वही होकर के ही रहेगा, वही बोलते हैं। इसलिए हमारी बातों को बहुत सीरियसली लेते हुए आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा निर्णय लेते समय हमारे राशिफल को जरूर याद करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में वही होगा जो मैं बताने वाला हूं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपको बहुत अच्छी और मीठी उम्मीदें हैं या फिर आप सच सुनना पसंद नहीं करते हैं बल्कि आपको अच्छा सुनना पसंद है तो आप ये वीडियो मत देखिए। और ऐसा बोलने वाला मैं इकलौता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों में से 5 लोग भी देखेंगे ना तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि वो 5 लोग सच सुनना पसंद करते हैं। अब वो सच मीठा भी हो सकता है और कड़वा भी, मुझे उससे मतलब नहीं है कि मुझे लाखों लोग देखेंगे या नहीं। देखिए इतना तो सबको एक उम्मीद रहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और मेरी भी ऐसी उम्मीद है, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे पास में क्लाइंट भी वही आएँ जो सच सुनना चाहें, और व्यूअर भी वही देखें हमें या सब्सक्राइब भी वही करें जो सच सुनना पसंद करते हों, क्योंकि झूठों की दुकान तो बहुत चल रही है यूट्यूब पर। हम आपको वो बताने वाले हैं जो आपकी लाइफ में होगा, और इतना एक्यूरेट क्यों बता पाएंगे उसके पीछे भी वजह जान लीजिए, क्योंकि हम 4 ग्रहों को बहुत महत्व देते हैं वार्षिक राशिफल में। ये 4 ग्रह कौन से हैं? ये 4 ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और गुरु। जैसा कि आपको पता है शनिदेव 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 2.5 साल एक राशि में बैठे रहते हैं, एक राशि में गोचर करते हैं, इसलिए शनि का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इस 2025 में शनिदेव परिवर्तन करेंगे। तो शनि परिवर्तन यानी कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। शनि अधिकांश आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं, प्रभाव रखते हैं। दूसरा राहु और केतु जो कि 1.5 साल में यानी 18 महीने में परिवर्तन करते हैं, उनका परिवर्तन भी 2025 में होगा। शनि का परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा और शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु केतु परिवर्तन जो है वो 20 मई को होगा। राहु और केतु भी परिवर्तन करेंगे, 1.5 साल तक इनका परिवर्तन नहीं होता है। ये 20 मई 2025 को कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु का गोचर शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में 2024 में जितनी उलझने, जितनी परेशानियां राहु ने दी हैं उतनी आपकी लाइफ में लगभग लगभग 18 साल से पहले आई थी,
अभी अगर 18 के ही हुए हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी उलझनें, इतनी परेशानियां क्यों आ गई। बहुत सारी उलझनों से सुलझा देंगे आपको। और जो चौथा परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन। बृहस्पति विवेकवान, बुद्धिमान और बहुत ही सहनशील ग्रह हैं, क्योंकि ये विद्या और बुद्धि को देने वाले हैं, विवेकता को बढ़ाने वाले हैं और विशेष रूप से आपके जीवन के उच्च आचरण को दिखाने वाले हैं। तो बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो 14 मई 2025 को होगा। 14 मई 2025 को मिथुन राशि में गुरु जाएंगे और इनका एक विशेष परिवर्तन इसलिए और मैं कहूँगा कि ये उच्च के भी होंगे दो महीने के लिए। 18 अक्टूबर से कर्क में जाएंगे और 5 दिसंबर को फिर मिथुन में वापसी करेंगे। वक्री मार्गी का सिलसिला होता है, आपको पता है, वो तो समय समय पे वीडियो बना करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं कि आपके साथ क्या होकर रहेगा। ये इतने बड़े बड़े जो परिवर्तन हो रहे हैं 2025 में, उनके बारे में। इसीलिए मैं इन चार ग्रहों पर विशेष ध्यान देता हूँ क्योंकि ये लंबे वक्त तक प्रभावित करते हैं आपको, इसलिए मेरा राशिफल सबसे सटीक होगा। और बाकी ग्रहों को भी मैं ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष टाइम पीरियड बताता हूँ कि इस समय ये होगा। तो चलिए, आपका समय व्यर्थ नहीं करते हैं और टॉपिक पे आते हैं, यानी राशिफल बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की, अध्ययन की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए 2024 में बहुत ज़्यादा असमंजस और भ्रम रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लगाए, बल्कि कॉम्पिटिशन के चलते भी डर बैठा और डर से बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं। कई अन्य कामों में व्यस्त होने की वजह से या फिर माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या जो उम्मीद आपको थी पढ़ाई को लेकर के वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। 2025 में ये उम्मीदें आपकी पूरी होंगी, पढ़ाई में मन लगेगा और अगर पढ़ाई आपकी बीच में छूट गई थी तो फिर से शुरू हो जाएगी। मैं ये देख पा रहा हूँ कि 2025 में सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्थिति है विद्यार्थियों के लिए, विद्या अध्ययन के लिए और उच्च शिक्षा के लिए, बड़े डिसीजंस के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा 2025। 2025 में आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जून जुलाई में और वो बहुत ही सच होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर उससे पहले आप सोच रहे हैं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे और सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अगर उससे पहले, जैसे कि मान लीजिए आपने जनवरी फरवरी में, मैं मार्च से भी स्थितियां फिर भी ठीक देख रहा हूं, जनवरी फरवरी में अगर आपने कोई डिसीजन लिया, कोई निर्णय लिया, तो अधिक संभावना है वो डिसीजन आपसे गलत हो सकता है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी जो अध्यापन करते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ही बेहतर होंगी। आपका प्रमोशन हो सकता है और आप अगर अध्यापक बनना चाहते हैं, सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सरकारी जॉब भी इस वर्ष में प्राप्त होगी, यानी कि गवर्नमेंट टीचर आप बन पाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए लव लाइफ में क्या होगा, आपके संतान से संबंधित चीजें क्या होने वाली हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियर कहूं, 2025 में आपकी लव लाइफ में बहुत सारी उलझनें सुलझ जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएंगी और विशेष रूप से आपको धोखा देने वाला आपकी लाइफ में वापस आएगा इस 2025 में। 2025 में बहुत कुछ इतना अच्छा होगा जो आपने सोचा भी ना हो। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो फैमिली को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन पार्टनर की तरफ से प्यार बढ़ेगा, बहुत सारी स्थितियां बेहतर होंगी और बहुत सारी अच्छी स्थितियां आपके एक्स पार्टनर से आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि बहुत कुछ ऐसे उतार चढ़ाव भी होंगे साल में जो जानना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको विस्तार से हमारा लव राशिफल देखना होगा। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है कि लव राशिफल कहाँ मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको मैरिड लाइफ के बारे में भी कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, मैरिड लाइफ में आप लगातार, अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो बहुत परेशान और पति के द्वारा बहुत प्रताड़ित हुई हैं। अब ये पति की प्रताड़ना खत्म होकर के, हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो, लेकिन पति से प्यार मिलने लगे। और अगर विच्छेद हो गया है, अलगाव हो गया है, यानी कि संबंध विच्छेद हो गया, डाइवोर्स का केस चल रहा है या डाइवोर्स ही हो चुका है, तो उसमें स्थितियां पारिवारिक बढ़ेंगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि पारिवारिक के साथ साथ बच्चों से रिलेटेड भी कुछ महीनों में विशेष प्रॉब्लम आ सकती है अगर संबंध विच्छेद हो गया तो। अदरवाइज अगर नॉर्मल चल रही है लाइफ तो वहां पर स्थितियां काफी बेहतर होंगी, पति का प्यार मिलेगा। और अगर आप पुरुष हैं
तो आपके लिए मैरिड लाइफ की स्थिति कई बार बेहतर होगी, लेकिन कई जगह पर उतार चढ़ाव मंगल की वजह से भी है और मुझे लगता है कुछ स्थितियां महीनों में ऐसी बदलाव लेंगी जहां आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि इससे ये उम्मीद नहीं थी। पार्टनर से नहीं, पार्टनर की फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर होगा कि इससे तो ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी कुछ विशेष स्थितियां परिस्थितियां आप देखेंगे और हो सकता है कि नवंबर के कुछ दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बुरे निकलें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कंपेयर टू 2024 आपके लिए बेस्ट रहेगा 2025। लेकिन अगर आप विस्तार से अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी सिंगल लाइफ, अपने रिलेशनशिप के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ऐसे रिलेशनशिप की बातें अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा लव राशिफल देखिए। लव राशिफल हमारे दूसरे चैनल, सेकंड चैनल हमारा, जिस पर लगभग 300,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उस पर हम केवल लव लाइफ की ही बात करते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल है जिसका नाम है लव टिप्स विद अतुल जी, उस पर जाकर के अपना लव राशिफल देखिए। लव राशिफल मिल चुका है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर मकर लव राशिफल 2025 अतुल जी, इतना सर्च करेंगे आपको लव राशिफल का वीडियो मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, आपको वो सब जानकारी विस्तार से मिल जाएगी, जैसे आपको करियर के बारे में यहाँ पे विस्तार से मिल रही है, वैसे ही आपको लव लाइफ के बारे में विस्तार से जानकारी वहां पर मिल जाएगी। अब मैं आपको और कुछ विशेष बातें बताता हूं आपके शिक्षा स्वास्थ्य करियर से संबंधित, जो करियर राशिफल है उसमें विशेष रूप से विस्तार करेंगे, और भी करियर से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें, भाग्य से संबंधित, आपके भाग्य में क्या होगा, मैरिज होगी, कब होगी, कैसे स्थितियां बन रही हैं, सब कुछ जानेंगे। तो अभी यहां पर लौट के आते हैं, वो अगर आपको राशिफल देखना है, लव राशिफल देखना है, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे ज्यादा मैं बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में आपके बहुत ज्यादा स्थितियां खराब होंगी अगर आप डायबिटीज शुगर के पेशेंट हैं तो, विशेष रूप से मई से लेकर के अक्टूबर तक समय बहुत खराब रहेगा, हेल्थ प्रॉब्लम परेशान कर सकती हैं, और कुछ महीनों में तो एलर्जी की प्रॉब्लम भी बड़ी समस्या बन जाएगी, जिस विशेष रूप से मैं कहूंगा सितंबर अगस्त में आप एलर्जी की प्रॉब्लम से परेशान हो सकते हैं। अगर आपको ये जो मैंने रोग गिनाए ऐसे संबंधित, त्वचा संबंधित या फिर फैट से संबंधित या फिर चर्बी से संबंधित, जो पेट से संबंधित विकार से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें तो परेशानी है, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, किडनी से संबंधित, कैंसर से संबंधित या कोई बड़ी ऐसी बीमारी जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो उसमें फिर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, फिर भी सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कर्ज, कर्ज क्या होगा आपके लिए, लोन इत्यादि लेने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे लोन आसानी से मिल जाएगा। आप अगर कर्ज चुकाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा जून से लेकर के अक्टूबर का समय, जिसमें आप अगर अपना लोन अमाउंट भरना चाहते हैं तो इस समय भर सकते हैं और आप कर्ज से मुक्त भी हो पाएंगे। ये समय ऐसा समय है जहां पर आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप कर्जा मुक्त हो पाए। उसके बाद में हम बात करते हैं शत्रु कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी, देखिए सष्टम भाव से रोग रिपु ऋण का विचार होता है, तो हमने रोग की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि शत्रुओं की, देखिए रोग और ऋण की बात कर ली, शत्रुओं की बात करें तो शत्रु आपसे परेशान हो जाएंगे, शत्रु आपसे हार मान जाएंगे और शत्रु आपसे माफी भी मांग लेंगे। यहां पर स्थितियां विशेष रूप से दिखाई पड़ती हैं कि कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजें बहुत हद तक सुलझने वाली हैं, जो चीजें उलझी हुई थी, जिनमें आप सोच नहीं पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वहां पर आपका निर्णय हो पाएगा और मुझे लगता है बहुत ही खास रहेगा 2025 आपके लिए। फरवरी में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, फरवरी से लेकर के वैसे तो लगातार अगस्त तक स्थितियां हैं, लेकिन फरवरी में ही निर्णय आ जाएगा कि आप केस से बाइज्जत बरी हो गए हैं या जीत गए, बहुत सारी स्थितियां बेस्ट रहेंगी आपके लिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित तो चीजें अच्छी होने ही वाली हैं, उसके साथ साथ अगर नए शत्रु भी बन रहे हैं, नए गुप्त शत्रु भी बन रहे हैं, तो वो भी आपसे माफी मांग लेंगे कि मैंने आपको गलत समझ लिया और मुझे आपसे अब कोई भी किसी प्रकार से गिला शिकवा नहीं है, और हर प्रकार से आपको ये लगेगा कि लोग आपको महत्व दे रहे हैं। 2025 में आपके लिए अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करते हैं, जज हैं, वकील हैं,
तो आपके लिए टाइम काफ़ी टफ रहने वाला है, बहुत सारी स्थितियां खराब होने वाली हैं और मुझे लगता है कि आप ये देखेंगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। अगर आप वकील हैं विशेष रूप से, तो अगर जज हैं और वहाँ पर आप मजिस्ट्रेट इत्यादि हैं, वहाँ पर कोई गलती आपसे हो जाती है, कुछ बड़ी गलती आप कर देते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा आपको समस्या भी फेस करनी पड़ सकती है उसकी वजह से। और मैं आपको कहूँगा, अगर आप जज हैं और वहाँ पर आपके कलीग के साथ में, आपके सहयोगियों के साथ में अगर कोई वहाँ पर आपका अफेयर इत्यादि बन गया, और आप अधिकारी हैं विशेष रूप से, कोई बड़े अधिकारी भी हैं, तब भी आपका अफेयर बन गया, तो आपके लिए वो अफेयर बदनामी का कारण भी बनेगा 2025 में। और मैं आपको बताऊं कि आपके लिए, क्योंकि अगर हम सप्तम भाव पे आ जाते हैं तो विवाह की बात करते हैं, पार्टनरशिप के व्यापार की बात करते हैं, विदेश यात्रा की बात करते हैं, तो उसमें मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा कि इस 2025 में आपका पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। और विशेष रूप से अगर आप रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं, अगर आप फाइनेंशियली किसी प्रकार से कोई एजेंसी चलाते हैं, फाइनेंस से संबंधित बिजनेस है आपका, पैसे का लेन देन, पैसा किसी को देना, ब्याज पे देना, ऐसा व्यापार है, तो आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर आप CA हैं वहां पर भी, या शिक्षा से संबंधित आपका व्यापार है, तो बहुत अच्छा चलने वाला है। और यहां पर स्थिति में ये कहूंगा कि विवाह के योग 2025 में आपके बनेंगे अक्टूबर और नवंबर में, हो सकता है नवंबर लास्ट में आपका विवाह हो जाए, अदरवाइज स्थितियां थोड़ी सी उससे पहले ऐसी थोड़ी खराब बन रही हैं जिसमें विवाह के बहुत अच्छे योग नहीं कह सकते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में बेस्ट स्थितियां बन रही हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके लिए और क्या होने वाला है, तो मैं आपको बहुत क्लियर कहूंगा कि आप सट्टा, शेयर मार्केट, इनसे बहुत धन लाभ कमाने वाले हैं। आमतौर पर लोग इसमें सट्टा में खास करके हारते ही हैं, लेकिन आपके लिए सट्टा मार्केट, शेयर मार्केट और मार्केटिंग फील्ड, इनमें बहुत अच्छा एक धन लाभ भी कमाने वाले हैं, लाभ कमाने वाले हैं और नाम कमाने वाले हैं। अगर आप कोई ऐसी एजेंसी भी चलाते हैं जहां आप शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, वहां पर आप बहुत ज़्यादा लाभ कमाने वाले हैं और आपके कस्टमर बढ़ने वाले हैं। ट्रेडिंग इत्यादि आप सिखाते हैं, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। 2025 में आपके इंटरटेनमेंट के फील्ड में आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, विशेष रूप से अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले एक्टर हैं, तो आप बड़े पर्दे पर लॉन्च होंगे, यानी बड़े पर्दे पर भी आपको सिनेमा हॉल में लॉन्च होने का ऐसा कुछ काम मिलेगा, मतलब बड़ी मूवी, बड़े प्रोजेक्ट आपको काम करने को मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वहां पर आपके लिए बहुत धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं, कई नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। और अच्छी स्थितियां यहां पर विशेष रूप से जो खेल खिलाड़ी इत्यादि होते हैं, फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट मैच इत्यादि, इससे संबंधित आप कार्य करते हैं, या आप ऐसे क्रिकेटर इत्यादि हैं, खिलाड़ी हैं, वहां पर आपके लिए स्पोर्ट्स के फील्ड में भी ये 2025 सितारा बन के, यानी कि आपके लिए एक तरह से 5-स्टार वर्ष रहने वाला है 2025। मॉडलिंग के फील्ड में और ब्यूटी पार्लर से संबंधित स्पा सेंटर चलाते हैं, ऐसे फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा धन लाभ लेकर आने वाला है 2025। और विशेष रूप से अगस्त से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक बहुत धन लाभ आप कमाने वाले हैं। और क्या होने वाला है, भाग्य की बात करें, भाग्य के संबंध में आपको मैं बहुत क्लियर कहूंगा कि 2025 आपके भाग्य के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जहां भाग्य साथ देता है, वहां कर्म कितने भी कम हो, भाग्य आपको किनारे लगा ही देता है। और वही मैं कहता हूं कि आपकी डूबती हुई नैया को भी पार लगा देगा आपका भाग्य। वैसे तो स्थितियां ग्रहों की इतनी अच्छी हैं कि आपको बहुत मालामाल कर रहे हैं ग्रह, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां कुछ महीनों में मंगल और सूर्य खराब करेंगे, उसमें भी आपका बुध बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा बनेगा और आपको मालामाल करेगा और आपका भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के बाद में हम बात करते हैं कि आपके लिए और क्या होने वाला है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकारी जॉब की अगर हम बात करें, तो सरकारी जॉब में आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा, खास करके अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं ऐसे सरकारी फील्ड में, तो आपके लिए बहुत बेस्ट स्थिति पूरे साल बनी रहेगी 2025 में।
लेकिन अगर आप बैंकिंग जॉब करना चाहते हैं और बैंक में सरकारी बैंक में आप जाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नवंबर का महीना ही बेहतर रहने वाला, अदरवाइज आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन सरकारी जॉब में अगर आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सिलेक्शन अगर पाना है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रगल रहने वाला है। मुझे लगता है जो समय, अगर अप्रैल मई का जो समय दिख रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसमें आपको बहुत बहुत कम चांस हैं कि आप जो चाहते हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको आईपीएस मिले या फिर उससे भी नीचे आप आ जाएं, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन इतनी अच्छी स्थिति जरूर है कि ना नहीं कह रहा हूं कि नौकरी नहीं लगेगी, उच्च अधिकारी के ही योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में क्या होने वाला है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आईटी फील्ड में जो लोग काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का समय रहेगा, यानी कि बार बार स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है और कई बार तो कई दिन ऐसे महीने में रहेंगे जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे और ओवर थिंकिंग करेंगे कि जॉब का अब क्या होगा। और विशेष रूप से मैं आपको कहूँगा, अगर कोई तिगड़मबाजी करके ना डॉक्यूमेंट फेक बना के या कुछ ऐसी गलती कर दी है जिस वजह से आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आपको काम तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं, वहाँ पर आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, सावधान रहिएगा। और ख़ास करके जून से लेकर के अक्टूबर तक। और प्रमोशन की अगर बात करें तो प्रमोशन के योग आपके सिर्फ और सिर्फ सितंबर में बनेंगे, उसके अतिरिक्त प्रमोशन के बहुत अच्छे योग नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी जॉब में प्रमोशन के योग लगातार बने रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे योग बने रहेंगे। और बात कर लेते हैं कि आपके लिए और क्या होने वाला है करियर में, व्यापार में। देखिए, मैं आपको कहूँगा, व्यापार अगर आप करते हैं, अगर आप केमिकल से संबंधित व्यापार करते हैं, होटल लाइन से संबंधित व्यापार करते हैं, शराब इत्यादि का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर कपड़ों का फैशन से संबंधित, फैशन डिजाइनिंग या ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, तो आपके लिए 2025 निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका करियर बहुत अच्छा होगा। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल वर्कर हैं, या फिर कोई भी सोशल मीडिया से संबंधित बिजनेस करते हैं, वहां पर आपके लिए ये वर्ष बहुत ही खास रहने वाला है। अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में यूनिक काम करते हैं, वहां पर आपको मालामाल करेगा 2025, और इस 2025 में विदेश यात्राएं आपकी बहुत होने वाली हैं। और अब कुछ विशेष बातें और मैं आपको बता देता हूं। 2025 में मकान बनाने का सपना आपका पूरा होगा 7 जून से 28 जुलाई के बीच में। यहां पर स्थिति यह दिखाई पड़ती है कि मकान बनाने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद में वाहन के भी योग बन रहे हैं, आप जुलाई के महीने में वाहन भी परचेस कर सकते हैं, कोई लग्जरी आइटम, लग्जरी वाहन आपकी लाइफ में दस्तक देगा। राजनीति के फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस अगर आप करते हैं तो विशेष रूप से फरवरी मार्च आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों, यह था आपके लिए 2025 का हाल। 2025 में ऐसा रहने वाला आपके लिए समय, और भी 2025 की विशेष वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके प्रोफेशन से संबंधित, कि अगर आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, या फिर आप किसी विशेष प्रोफेशन में हैं, वहां पर आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और अगर पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।